नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो आज है शनिवार और मेरी बिटिया रानी स्कूल चली गई है, तो आज मेरे घर वालों को खाने का मन कर रहा है दाल चावल और करेले का भरवा। बहुत ज़्यादा पसंद है करेले का भरवा। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि आज चावल जो है नॉर्मल नहीं बनाने जा रही हूँ, बासमती वाला चावल बनाऊँगी और दाल में पालक डालकर बनाऊँगी सकपैता वाला दाल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि देखिए, चूल्हे में ईंधन को जला दिया है, इस पर रख दिया कुकर। कुकर में ही मैं चावल बनाऊंगी बासमती वाला। इधर रखती हूँ दाल पकने के लिए। तो आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, यहाँ पे मैंने चावल को धो लिया है, दाल को भी धो लिया है, पालक को भी धो लिया है। तो फटाफट दोनों चूल्हे बर्तन चढ़ाती हूँ और दाल चावल फटाफट रखती हूँ, फिर चलते हैं खेत में करेला तोड़ने। करेले का भरवा जो कि मेरे बच्चों को तो पसंद नहीं था क्योंकि कड़वा लगता है करेला, तो जिस तरीके से मैं करेला का भरवा बनाने जा रही हूँ उस तरीके से मेरे बच्चे ही बहुत पसंद करते हैं। उसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं घर वाले। दाल चावल मिल जाए साथ में करेले का भरवा, रोटी चाहे पराठा मिल जाए तो बहुत चाव से खाते हैं। कुकर जो कि मेरा गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने देसी घी और जीरा डाल दिया है। और इधर मैंने चावल धो के रख लिया था पहले ही, तो इसको डाल दे रही हूँ। बासमती चावल है। नॉर्मल चावल खाते खाते हमारे घर वाले उग गए थे, तो मेरी बिटिया रानी और घर वाले कह रहे थे कुछ चावल अलग बदलो। तो आज मैंने बासमती चावल बना रही हूँ सकपैता वाले दाल के साथ। कभी कभी बदल बदल के खाना खाइए तो अच्छा लगता है। एक ही जैसा खाना खाते खाते भी लोग उग जाते हैं घर के। अब इसको चला कर अब इसमें पानी डाल दूँगी। बासमती चावल में जब भी पानी डालें उंगली से नाप कर डालें इतना, क्योंकि जल्दी गल जाता है, कम ही पानी रखना चाहिए इसमें। यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ एक गिलास, थोड़ा सा और डालूँगी। ये देखिए डाल दिया मैंने दो गिलास बस। इधर मैंने दाल चावल चूल्हे पर रख दिया है, तो दाल मैंने डाल दिया था भगोने में, पालक कटा हुआ इसको डाल दे रहे हैं और साथ में डाल दे रहे हैं टमाटर और प्याज कटा हुआ। इससे और भी ज़्यादा दाल टेस्टी बन जाएगा। तब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। नमक डाल लेते हम 1.5 चम्मच दाल में। बहुत दिनों से मैंने पालक वाला दाल नहीं बनाया था, तो आज बना रही हूँ। आज शनिवार भी है और मित्या जल्दी स्कूल से घर आ जाएगी, और उसको बहुत पसंद है चावल दाल। इसको चला दे रहे हैं, देखिए दाल कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। इसको ढककर हम पकाते हैं धीमी आंच पर। इधर हमारा चावल भी पक रहा है, अभी सीटी लगेगा। अब चलते हैं खेत में करेला तोड़ने। तो चूल्हे में मैंने दाल चावल अपना रख दिया, पक रहा है। इधर हम आ गए हैं खेत में करेला तोड़ने के लिए, एकदम ताजे ताजे करेले। तो चलते हैं खेत में, देखते हैं कि करेला है कि नहीं है खेत में हमारे। तो इधर देखिए हम खेत में करेले के आ गए हैं। यहाँ पे देखिए झमरा लगाकर, और हमने लकड़ी मतलब गाड़ा है बांस का, तो इस पर गावा चढ़ाकर करेला फर रहा है। तो दीवार किनारे किनारे देखिए लगाया है पूरा लाइन से। तो चलते हैं करेला को तोड़ते हैं। अब कुकर की सीटी भी देखिए हमारी सुनाई दे रही है खेत तक। और ये देखिए ये रहा करेला, इसको तोड़ लेते हैं। और इधर देखिए इसमें छिपा है पत्तियों में, इसको तोड़ते हैं, देख देख कर तोड़ लेते हैं। ये रहा कुकर की सीटी यहाँ लग चुकी है, और हमने प्रेशर कुकर को अपने चूल्हे पर से उतार कर मैं आ रही हूँ तुरंत एकदम। और इधर देखिए हम करेले को देखते जाएंगे। एक देखिए नीचे इधर भी है, और ऐसे ही देख देख कर हम तोड़ लेते हैं। गावा के अंदर जो पत्तियों के अंदर तब भी छिपे रहते हैं करेले, एक बार ढूंढ ढान के तोड़ेंगे इसको देख देख कर। ये देखिए ऊपर चढ़ के फरा हुआ है। इधर देखिए रहा दूठ। कभी कभी क्या होता है कि पत्तियों में छिपे होते हैं तो दिखते नहीं हैं, तो इनको ढूंढ ढूंढ के तोड़ना पड़ता है करेले को, छिप जाते हैं देख कर हमें। तो अभी जो कि हमारा जो करेला है अभी शुरुआती करेला है, तो अभी उतना नहीं फरा है, तो अभी हमने और भी लगा रखा करेला तो उस साइड। तो चलते हैं उधर भी तोड़ लेते हैं देखकर। तो इधर देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में दूसरे साइड की तरफ, और उधर देखिए दो मोर बैठे हुए हैं दीवार पे, आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए इधर भी झमरा टाटी लगाकर नेनुआ और तिरोई और करेला लगाया गया है, तो इसके अंदर चलते हैं और करेले को तोड़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पे करेला है बड़ा बड़ा, ऊपर भी है, बड़ी मुश्किल से। तो देखिए जो करेले छूट जाते हैं ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं, आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा हो गया करेला जो छूट गया है, ये रहा। क्योंकि यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आकर तोड़ी थी तो उसको दिखा ही नहीं। देखिए कितना मोटा हो गया करेला, बड़ा सा एकदम, ये देखिए छिप गया था। भरवा के लिए आपको सही बताऊँ तो करेले जो होते हैं ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे ही, मतलब मीडियम साइज के जो करेले होते हैं वही चाहिए मुझे। तो बिल्कुल मेरे खेत में वैसा ही हो रखा है।
करेला देखिए हमने तोड़ लिया है, और आपको बता दूं कि दो दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं हो रही है, बादल बादल हो रखा है और बारिश तो नहीं हो रही है, फिलहाल हल्का फुल्का हो रहा है बारिश। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को और हम लोगों को भी ज़रूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, क्या करें, ऐसे ही है मौसम का हाल अभी। और चलते हैं लेके चूल्हे के पास। करेला तोड़कर हम ले ही आ रहे थे कि नलका मिल गया हमें पानी वाला, तो यहीं धो लेते हैं। ये देखिए खेत एकदम ताज़े करेले, पूरा ग्रीन ग्रीन कितना बढ़िया दिख रहा है। आपको बता दूं कि इसका छिलका और इसका बिया हम सब यूज़ करेंगे, क्योंकि सब प्रोटीन और फ़ायदा है हमारे लिए, हमारे आँखों के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए, क्योंकि हरी साग सब्जियाँ देखिए खानी चाहिए। इधर देखिए हमारे बेटे राजा जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बाबू? मैं अपनी साइकिल धो रहा हूं। दीदी स्कूल चली गई है, आज ये स्कूल नहीं गए हैं, तो ये देखिए अपनी साइकिल धो रहे हैं। आपकी साइकिल की तो देखिए एक आँख फूट गई। पहले बचपन में बस्ती थी, हाँ बाबू बस्ती थी, आपके लिए नई साइकिल आएगा। चलो चलते हैं, आओ अब नलके पे चलें। चलो आप बाबू के लिए, तो पुरानी होगी ना, उसको छोड़ दो, अब गंदी हो गई ना, चलो आओ। करेला धोने के बाद इसका दोनों तरफ का नोक देखिए हमने हटा दिया है, अब इसका जो छिलका है छिलनी से छील लेंगे इस तरीके से ऊपर से। क्या होता है जब भी करेला का भरवा बनाते हैं तो कभी कभी कड़वा आता है ऊपर से, तो इसलिए इसका छिलका हम हटा दें कि हमारे बच्चे भी खा सके। अब इसको देखिए एक चीरा लगाएंगे ऐसे बीज से, और इसके अंदर का बीज भी निकाल लेंगे इसी के साथ। ये देखिए अंदर जो बीज है इस तरीके से निकाल लेंगे। करेले का छिलका और बीज देखिए हमने निकाल दिया, इसका बीज देखिए नरम है। जो पके वाले करेले होते हैं लाल वाले, उनके बीज बस हटाने हैं, इसमें नहीं डालने हैं। देखिए इस तरीके, देखिए कितना खाली जगह हो गया, तो इसमें अच्छे से मसाले भरे जाएंगे, तब फिर अच्छा लगेगा करेले में खाने में। अब ऐसे ही रख देते हैं, सारे करेले का बीज और छिलका निकाल दे रहे हैं इस तरीके से। इधर जो मैंने छिलका निकाला है करेले का, इसको हम धो देंगे तो इसका कड़वापन जो है दूर हो जाएगा। इसको एक बार हम धो के निकाल लेते हैं इसको, ये देखिए जो कड़वापन रहेगा पानी के साथ निकल जाएगा छिलके का। अब इसको हम गार कर थाली में रख लेंगे दबा कर हाथों से। इधर मैंने करेले का भरवा बनाने के लिए देखिए मसाले लिए हैं। यहाँ पे देखिए मसालों को हमने ये सब पहले ही भून लिया था, सौंफ को तवे पे ये भुना हुआ है सौंफ, साबुत हमने धनिया लिया था तो इसको ही भून लिया है, और जीरा लिया था हमने एक चम्मच, इसको ही भून लिया है। तो सभी को हम पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। तो जीरा हमने रख दिया है सिलबट्टे के ऊपर, और सौंफ भी रख दिया है सील पर, और साबुत धनिया जो है भुना हुआ इसको भी पीस लेंगे। साथ में देखिए हमने थोड़ा सा भुना हुआ चना लिया है, इसको भी डाल देते हैं इसमें, और हमने यहाँ पर भुना हुआ मूंगफली भी लिया है, इसको भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को हमने पहले ही भून लिया था, अब इसको हम पीस लेंगे। इधर मैंने सिलबट्टे पे सभी चीज़ों को पीस लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम दरदरा पीसा है मैंने। अब इसको थाली में उठा ले रहे हैं। जब ये सब मसाले पड़ते हैं करेले के भरे में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, तो इसमें डालते हैं सरसों का तेल थोड़ा सा। और इधर देखिए हमारे दाल में भी उबाल आ रहा है कब्बा से, इसको चला दे रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया दाल लग रहा है सरपैता वाला, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। कढ़ाई का तेल जो है हमारा गर्म हो गया सरसों का, तो इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं। और आपको बता दूं कि इस भरवे करेले में मैंने ना प्याज लहसुन अदरक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो आज मैं भरवा बना रही हूँ उनके लिए बना रही हूँ, जो सफ़र करते हैं, जो लोग सफ़र करते हैं तो अगर इस तरीके से करेला का भरवा बनाएंगे तो करेला का जो भरवा है काफ़ी दिनों तक चलेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हींग जो है मेरा लाल हो गया है, अब सीधे जो हमने छिलका था इसका बीज था करेले का ये डालते हैं। इनको पसंद है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये यहाँ पे डालकर थोड़ा सा भून कर उसके बाद करेले का छिलका और बीज डालें। अब इसको हम बढ़िया सा भूनेंगे, भूनने से क्या होता है इसका कड़वाहटपन दूर हो जाता है, और छिलका और बीज जो है काफ़ी नरम भी हो जाता है स्टफिंग बनाने के लिए। इधर मैंने करेले का छिलका और बीज थोड़ी देर तक भून लिया है, इसमें डाल लेते हैं नमक। नमक डालेंगे तो जल्दी और भी गल जाएगा छिलका, तो स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है, तो इसको डाल लेते हैं, सारा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 चम्मच, इसको डाल देते हैं। और इधर मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, इसको भी डाल देंगे तीखे के लिए।
आप ना तीखा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। तो अब इसको चला देते हैं। तो चूल्हे का आग जो कि हमने एकदम धीमा कर दिया है, क्योंकि बाकी सारे जो मसाले थे हमारी मूँगफली थे सब भुना हुआ ही है, बस इसको इसी में मिलाना है। तब इसको डाल लेते हैं। और सबसे ज़रूरी है अमचूर पाउडर खटास के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है खट्टा होने के लिए। ये हमारे घर का अमचूर पाउडर, इसको डाल देते हैं। या तो फिर आम का जो अचार बनता है मसाला वाला वो भी डाल सकते हैं इसमें खट्टा होने के लिए, बहुत अच्छा आता है। तब इसको हम चला दे रहे हैं, चलाकर सारे मसाले जो है मिला ले रहे हैं। तो ये देखिए मिलने के बाद जो मसाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं स्टफिंग करेले का, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अब इसको फ्रीज में रखकर कई दिनों तक हफ्तों तक खाएं, बहुत बढ़िया लगता है खाने में और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अगर आप प्याज लहसुन डाल देंगे तो महकने लगता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। लोग ट्रेवलिंग जब करते हैं तो सोचते हैं कि क्या बनाएं सब्ज़ी में कि जो जल्दी ख़राब ना हो, और काफ़ी लंबा जिनका ट्रेवलिंग रहता है तो सोचते हैं और जल्दी आसानी से बन भी जाए और सब्ज़ी भी ना ख़राब हो। तो इसको ज़रूर बना के आप ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब इसको हम थाली में निकाल ले रहे हैं। तो स्टफिंग जो है करेले का जो हमने बनाया वो ठंडा हो गया है। इधर हमने करेले में जो छिलकर इसको बीच से चीरा लगाया था, अब इसके अंदर हम भरते हैं। देखिए दबा दबा कर बढ़िया सा। ये देखिए हमने भर दिया है। ऐसे ही हम सारे करेले में स्टफिंग को भरते हैं। इधर मैंने सारे करेले में जो स्टफिंग था करेला का पूरा डाल दिया। अब डालते हैं कढ़ाई में। तेल हमने डाल दिया था पहले ही, गर्म हो गया है तो करके डालते हैं। ये जो ज़्यादा बड़े करेले थे मैंने उनको 2 भाग कर लिया है इस तरीके से। तो सारा करेला जैसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसको थाली से ढक कर पकाते हैं। और इधर मेरा दाल भी हो गया है। इधर देखिए दाल एकदम पककर गाढ़ा हो गया है। इसमें तड़का लगाते हैं देसी घी का। ये देखिए इतना बढ़िया सा कोयता वाला दाल बना है। और इधर देखिए मेरा चावल खिला खिला एकदम बढ़िया चावल बना है। करेले को ढके काफ़ी देर हो गया, इसको चला लेते हैं। देखिए करेला अब गलने लगा है धीरे धीरे। इसको ढक देते हैं। और इधर देखिए हमने दाल में तड़का लगाया था तो कलछुल का जो तड़का है वो लाल हो गया है। अब हम डाल देते हैं इसको पोंछ कर दाल में। इसमें देसी घी डाला है, जीरा डाला है, हींग डाला है और लहसुन और हरी मिर्च डाला है, कड़ी पत्ता डाला है मैंने। अब इसको हम तड़का लगा देते हैं। जब छन्न से आवाज़ आती है तभी अच्छा लगता है तड़के का। इसको चला के तुरंत ही ढक देते हैं। जब तक हमारा करेला का भरा हो रहा है, इधर देखिए इनका भुट्टा खाने का मन कर दिया तो गए थे खेत से ताज़ा भुट्टा तोड़ के लाए हैं और चूल्हे के आग में भूनेंगे और ये बैठ के यहीं खाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है भुट्टा, एकदम नरम वाला भुट्टा है। इसको आग में डाल के भून लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे जो त्रिपाल का सीन, देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ, देखिए पानी चू रहा है। उधर मैंने थाली लगाया बड़ा वाला बर्तन, उसी में टपक रहा है। और इधर खाली जाके देखते हैं करेला हमारा कितना अभी गला है। तो ये देखिए करेले का कलर भी देखिए चेंज हो गया है। इसको चला दे रहे हैं, काफ़ी लाल लाल करेले भर रहे हैं पक कर। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा मसाला बचा लिया था, तब इसको ऊपर डाल देते हैं। ऊपर से मसाला मैंने डाल दिया, इसको चला देंगे। हल्का सा करेला को और भी लाल कर लेते हैं। जब करेला लाल होकर पकते हैं तभी अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए भुट्टा भी हमारा भुनाना शुरू हो गया है, भाड़ भाड़ बोल रहा है चूल्हे में ही। इसको उलट पुलट दे तो जल जाएगा एक तरफ रहेगा। तो हमारा दाल चावल और करेले का भरवा सब हो गया है। तो चलते अपने पापा जी को खाना देते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं करेले का। तो देखिए चावल लेके निकालते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी लिया है 2 और दाल चला के देते हैं। देखिए करेला भी हमारा लाल होकर एकदम बढ़िया सा पक गया है। दे देते हैं करेले का भरवा भी। चलिए चलते हैं देते हैं। अचार भी दूं पापा? नहीं अचार, मोटा मोटा चावल कहाँ से आया? मोटा मोटा चावल। खाना बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट खाने।
तो इधर मेरा पूरा खाना बनकर रेडी हो गया है, दाल चावल और करेले का भरवा। दाल मैंने बनाया था सकपैता वाला, और इधर देखिए हमारा भुट्टा भी हो गया है, चूल्हे में से निकाल दे रहे हैं जो भुन गया है, ये भी हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया करेला हुआ है, एकदम लाल लाल पककर। दाल चावल साथ चाहे पराठे साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है करेले का भरवा। किसी के भी साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए चाहे पराठे के साथ खाइए, एकदम बढ़िया। देखिए करेला पक गया है, एकदम लाल लाल होकर पका हुआ है। तो करेला का भरवा कढ़ाई में जब भी पकाए थोड़ा लाल करके पकाएंगे तभी खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, करेले का भरवा और हमारा देसी तरीके का खाना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।